तरफ रहे तो सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता मनवाल और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं लिंगड़ों के लिए। लिंगड़े नए नए उग रहे हैं, इसीलिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है लिंगड़ों के लिए, वरना हमारे घर के आसपास ही होते हैं जब बरसात का टाइम होता है। लेकिन आजकल हमें बहुत दूर जाना पड़ता है लिंगड़ों के लिए। और ये है गेहूं की खेती, बहुत ही सुंदर लग रही है। सीढ़ी नुमा खेतों में गेहूं उगे हुए, बिल्कुल हरे भरे खेत, और उनके बीच बीच में घर, बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में ये देखने को। मैंने ये बैग रखा है हाथ में, इसमें लिंगड़े निकालेंगे, देखेंगे लिंगड़े हैं कि नहीं। बैग को मैंने बड़ा बड़ा रखा है, ये देखिए, पता चल रहा वहाँ जाकर कि लिंगड़े हुए ही नहीं अभी। तो चलते हैं, देखते हैं लिंगड़े हुए अभी कि नहीं हुए। और ये देखिए, इसके लिए बशा बोलते हैं गढ़वाली में हम। कितने सुंदर लग रहे हैं इसके फूल, ये देखिए। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इसके फूल। आजकल हर चीज़ पे फूल उगे रहते हैं, हर पेड़ पे, पौधों पे, बहुत अच्छा लगता है। तो हम गढ़वाली में इसको बोलते हैं मोलियार बार, क्योंकि जो भी पेड़ होते हैं सूखे हुए, उन पे बिल्कुल नए पत्ते उगे हैं, नए पत्ते निकले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आजकल इधर उधर देखने में। पेड़ पौधे बिल्कुल हरा भरा चारों ओर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गढ़वाली में बोले तो मोलियार बार आर की है आजकल। ये देखिए रास्ते रास्ते में ये है अरमोड़ा बोलते हैं, ये खट्टा होता, चटनी भी बनाते हैं इसकी। इस पर भी आजकल फूल उगे हैं, ये देखिए। और ये छोटा, इस पर भी फूल लगे हैं, क्या बोलना नहीं आते। हाँ, गढ़वाली में इसको गन्ने का फल बोलते हैं, ये देखिए, इस पर भी फूल उगे हैं। और ये है हिसार, ये देखिए, ये हिसार होता है, अभी ये बिल्कुल छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद इस पर हिसार, ये हिसार लगे हैं, लेकिन कच्चे हैं अभी, छोटे हैं। ये देखिए, ये हिसार लगे हैं लेकिन अभी छोटे हैं, कच्चे हैं, पक्का ये पीले होते हैं और बहुत ही रसीले होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा होता, बहुत खाते थे हम बचपन में, लेकिन अभी भी पके हुए मिले तो अभी भी खाएंगे, ये देखिए। और पहुंच गए हम जहाँ लिंगड़े निकालने थे हमें, लेकिन यहाँ तो लिंगड़े बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल छोटे हैं। ये मेरे हस्बैंड ने निकाल रखे हैं, जान बता दो, ये देखिए, लेकिन बहुत छोटे हैं अभी, क्योंकि बरसात के टाइम पे होते हैं ये ज़्यादा और बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अभी तो छोटे हैं। लेकिन ऐसे ही निकालेंगे सब्जी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सच बताऊँ तो बहुत टेस्टी होती है इनकी सब्जी, बहुत अच्छा लगता है। दाल के साथ खाओ या चौंसा के साथ, गढ़वाली में चौंसा ही बोलते हैं, दाल को भुना जाता है फिर पीसा जाता है, तो गढ़वाली लोग बनाते हैं उसको चौंसा बोलते हैं। चाहे आप लोग दाल के साथ खाओ, चाहे चौंसा के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी होती है इनकी सब्जी, ये देखिए। और मेरी तो फेवरेट है, इसीलिए इतनी दूर आ रखी हूँ इनको निकालने। तो चलिए चलते हैं, मैं भी निकाल लेती हूँ थोड़ा। अभी हमें और लिंगड़े निकालने पड़ेंगे, अभी बहुत कम है, ये देखिए। लिंगड़ों को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गए, ये देखिए।
अभी देखेंगे इधर उधर फिर से लिंगड़े ढूंढेंगे, इतने छोटे हैं अभी इसीलिए दिक्कत हो रही लिंगड़े निकालने में, क्योंकि लिंगड़े छोटे हैं अभी। लेकिन जब लिंगड़े छोटे होते हैं इनकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, और बरसात टाइम पे जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनमें टेस्ट उतना नहीं होता जितना आजकल होता है छोटे छोटे लिंगड़ों में, और भी टेस्ट होता है। नाम घट बगड़ इसीलिए बोलते थे, पहले ये घट हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन अब आधुनिक जमाने में चक्की से पीसते हैं इसीलिए घट का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, इसीलिए ये घट टूट गया। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। घट बोले तो जिसको हिंदी में पंचक्की बोलते हैं, तो ये थी यहाँ पर, लेकिन टूट गई। ये देखो बिल्कुल खंडर हो गई, ये त्रीच है द्वीच है। ये देखिए बिल्कुल टूट गया सारा। लिंगड़े कम ही मिले क्योंकि ये देखिए लिंगड़े बहुत छोटे हैं, अभी बड़ी मुश्किल से इतने निकाले, ये देखिए इतने निकाले, और थकान भी लग गई। अब घर की ओर चलते हैं, जितना हुआ उतना ठीक ही है।